हेलो, मेरा नाम है रोहिणी बैनर्जी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी सेफ एंड बी हेल्दी। रोहिणी जी, अगर बात करें आज शो के बारे में, लॉन्च हुआ है, विस्कन्या क्या है और आपके किरदार पर मेरा किरदार जो कि है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम कल्पना है। वाकई में काल्पनिक है ये, क्योंकि बहुत लार्जर देन लाइफ है। हम अक्सर बोलते हैं कि दिस कैरेक्टर इज़ ब्लैक या वाइट, नेगेटिव पॉजिटिव, पर इसमें इतने शेड्स ऑफ ग्रे है जो कि इनफैक्ट हर इंसान में ग्रे होता है। हम कोई भी एकदम वाइट या एकदम ब्लैक नहीं हो, कोई भी नहीं होता है। एंड लाइकवाइज दिस कैरेक्टर में ग्रे के इतने शेड्स हैं, कमाल के शेड्स हैं। ये आप देखेंगे तो आप सराहेंगे ज़रूर। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक एंड अप्रिसिएशन। लीड कैरेक्टर की मैं माँ हूँ। एंड इनफैक्ट मेरी बेटी को मैंने बाहर की दुनिया से एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है घर की चार दीवारी में। एंड उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं है, तो उसने बाहर की दुनिया सिर्फ मेरी आँखों से देखी है। और जो भी उसने सुना है बाहर की दुनिया के बारे में, वो भी सिर्फ मेरी तरफ से। तो मेरा जो कहना है वो उसके लिए अल्टीमेट है। मैं जो भी कहती हूँ उसके भलाई के लिए है, और ये जेन्युइनली उस बात को मानती है। एंड मैं भी उसे एक वहीकल की तरह यूज़ करती हूँ रिवेंज के लिए। एक फैमिली के साथ मेरी कोई अनबन हुई है बहुत पहले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी से प्यार नहीं करती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत अफसोस है कि मुझे ये एक ज़रिया यूज़ करना हो रहा करना पड़ रहा है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देखेंगे तो एक्चुअली आप इस कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज करेंगे कि बेचारी, मतलब इसे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन और कोई चारा नहीं है इसके पास। बेटी का नाम है अपराजिता, मैं उसे प्यार से ओपू बुलाती हूँ। अपराजिता कहीं ना कहीं विस्कन्या जो शो का टाइटल है, काफी देख के लगता है कि कहीं ना कहीं डाइन चुड़ैल वाला शो। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आप खुलासा करेंगे क्या? विस्कन्या क्या है? कहीं ना कहीं आपकी लड़की के ऊपर ये विस्कन्या ये है कि कब बनती है, क्या है, कब बनती है, तो ये मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। बट विस्कन्या बेसिकली उसके शरीर में पॉइजन है, और वो कैसे है, क्यों है, ये आप देखिएगा। और कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अब तो बस शायद 12 दिन हुए हमने शूट किए, और 12 दिन में मतलब हर रोज़ एक कुछ अलग देखने को मिलता है, कुछ अलग करने को मिलता है। जब हम अपना काम देखते हैं मॉनिटर पे, तब यकीन नहीं होता है कि हमने ये किया है, एंड ये मैं कर भी सकती हूँ। सो इट्स बिन ग्रेट। काफी सवाल है, हो सकता है आपको बुरा लगे कि आपकी उम्र से ज्यादा बड़ा रोल दिया गया है, माँ के आप लगते नहीं है। ये कमाल की बात है, इनफैक्ट एक्टर के लिए ये तो एक बहुत ही कमाल की बात है। नहीं है ये तो, दिस इज माय प्रोड्यूसर्स कॉल माय। मैं अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हूँ, बहुत फिट रखती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, एंड ग्लैमरस लगना मुझे अच्छा लगता है। एंड शायद मैं 45 की हूँ, बट लगती हूँ 26 की, एंड इसके पीछे दूसरा राज है। इसके अलावा मैंने एक फिल्म की है, हिंदी फिल्म 7 कदम, वो शायद मई में रिलीज़ होगी। अभी बस 10 दिन पहले मैंने काम ख़त्म किया है उस पर। तो वो भी एक बंगाली कैरेक्टर है, एंड मच एल्डर देन माई एज ग्रुप। उसमें कोई मेकअप नहीं है, मेकअप जो भी है वो उसमें रिंकल्स है, फ्रिकल्स है। जैसे कि मैं कह रही थी कि एक एक्टर के लिए वो एज ग्रुप मैटर नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक 70 साल की कोई 70 साल का कोई कैरेक्टर हो या 20 साल का कैरेक्टर। अगर अपना प्रोड्यूसर, अपना डायरेक्टर हम पे विश्वास रखकर कि ये कर सकती है, ये किरदार निभा सकती है, तो हमें बस उस बात की रिस्पेक्ट रखकर बिल्कुल मतलब आगे बढ़ना चाहिए। एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।